हाल ही में मुझे यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड एक ऐसे एरिया के बारे में पता चला है जो पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर हमारे वेद और उपनिषद को साइंस के साथ मर्ज करके रिसर्च एंड समझा जाता है। इस कंट्री में राम के नाम से नोट भी प्रिंट होती हैं। इवन इसके लीडर एक फॉरेनर साइंटिस्ट है जो इस हिंदू राष्ट्र को चलाते हैं। क्यों है ना शॉकिंग? तो चलिए समझते हैं इस हिंदू राष्ट्र के बारे में डिटेल में। साल 2000 में 7 अक्टूबर को महर्षि महेश योगी ने यूनाइटेड स्टेट के लोआ नाम के एरिया में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसे आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी नेडर लीड करते हैं। डॉक्टर टोनी नेडर एक रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर और ऑथर है। इन्होंने अपनी स्टडी में साइंस एंड सनातन धर्म के वेद और उपनिषद को साथ में समझा है। आज के टाइम में इन्होंने दिल से सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इनका मानना है कि साइंस कहीं ना कहीं वेद और उपनिषद से मिलती जुलती है। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की खुद की कैपिटल भी है, जिसका नाम है महर्षि वैदिक सिटी। इनका मेन मकसद है मेडिटेशन और सनातन धर्म के थ्रू पूरी दुनिया में शांति कायम करना। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने खुद के राम के नाम से करेंसी भी प्रिंट किए हैं, जिसे नीदरलैंड जैसी कंट्री ने एक्सेप्ट भी किया है, और एक राम 10 यूएस डॉलर के बराबर है। साल 2008 में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने यूएस के मेजर सिटीज में पीस प्लेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जहाँ पर लोगों को मेडिटेशन टेक्निक्स, आयुर्वेदिक स्पा ट्रीटमेंट जैसे चीजों के बारे में सिखाया जाता है। और साल 2005 और 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज में लैंड बाय करके अपने नेटवर्क को इंक्रीज किया है। इसी के साथ दुनिया भर के डिफरेंट लोगों ने भी इस कंट्री को अपनाया है और सच्चे दिल से मेडिटेशन के साथ सनातन धर्म से जुड़ गए हैं और साथ में मिलकर वेद और उपनिषद पर रिसर्च करते हैं और दुनिया भर में शांति का संदेश देते हैं। इन्होंने वैदिक आर्किटेक्चर को समझ के उसी हिसाब से अपने बिल्डिंग्स को बनाया है, जिसकी वजह से फेमस आर्किटेक्चर केलर स्टर्लिंग ने भी वैदिक सिटी के आर्किटेक्चर की तारीफ की है। यूनाइटेड स्टेट में रहकर एक हिंदू सोच को डेवलप करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों और फैमिली वालों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।